हेलो व्यूअर्स, आज नया वीडियो लेके आया हूँ। हाई नेक कलर कैसे बनाते हैं। तो पहले हमने कपड़ा लिया, कट के लिया कितना प्लेट होगा, तो उसी हिसाब के पेस्टिंग लिया। ये 8 इंच लंबा कट किया, उसके बाद पेस्टिंग 10 इंच लिया है, 2 इंच ज़्यादा लिया। तो चौड़ाई में 2 इंच दो प्लेट निकलेगा ऊपर और नीचे। हुक पट्टी और प्लाई पट्टी तो हम पहले बीच में से काट लेंगे, उसका नीचे वाला पट्टी काट लेंगे बराबर करके। ये ऊपर रहेगा, थोड़ा पे कोना काट लेंगे। हमने काट लिया, उसके बाद ये प्रेस करके, कपड़े में प्रेस करके बिठाना है। हम दो पीस कपड़ा लिया है, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। तो हम प्रेस कर लिया, तो हमने कपड़ा निकाल लिया। पहले फिटिंग होगा, नीचे का जो पट्टी रहेगा वो फिटिंग होगा पहले। इसे बराबर करके रख के ऊपर से सिलाई लगा देना एक। यहाँ पे एक सिलाई लगा लेना, सिलाई लगा लिया। ये हिस्सा नीचे रहेगा, तो ऊपर का हिस्सा में सिलाई लगाएंगे, प्लेट लगाएंगे। ये ऊपर का हिस्सा है, 1.5 इंच लगभग, 1.5 इंच छोड़ के नीचे की तरफ ऊपर सिलाई करना है। ऊपर की तरफ को निकाल के इस किनारे से सिलाई लगा लेना। फिर सिलाई लगा लेना है। आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करके लाइक कर देना। प्लेट के नीचे की तरफ से इस तरह सिलाई लगा लेना। प्लेट बन गया हमारा। प्लेट बनने के बाद ऐसा होगा, वो शोल्डर फिटिंग करना है। यहाँ पे तुम बैक साइड लेंगे, यहाँ पे शोल्डर फिटिंग करना है। शोल्डर फिटिंग कर लिया, काट लेते हैं। शोल्डर फिटिंग हो गया। कॉलर का लंबाई कितना हो गया यहाँ पे नापना पड़ेगा। ये नाप के फिर कॉलर कटिंग करना है। यहाँ पे हो गया 8.5, 17 इंच कॉलर है। तो हमने काट लिया, 8.5 है, 8.5 डबल का 17 इंच होगा। इस कपड़े में चिपकाना है प्रेस करके। प्रेस कर लिया, ऊपर की तरफ सिलाई होगा, इस तरफ सिलाई होगा। सिलाई के बाद साइड से काट लेना अच्छे से, ये भी कट कर देना अंदर का कपड़ा। अभी निशान लगा लेना जहाँ तक लास्ट बॉर्डर आएगा, और बीच में एक निशान लगा लेना। बीच का एक कोना काट लेना, ये कलर का कोना आराम से निकल आया। अंदर का जो कपड़ा है वो अंदर का कपड़ा कोना काट देना। बीच में एक निशान लगा लेना है। बीच में से लगाएंगे तो दोनों तरफ बराबर रहेगा कलर। पहले से शुरू करेंगे
तो लास्ट में जाके छोटा बड़ा हो सकता है। तो इससे अच्छा बीच में से सिलाई करिए, दोनों तरफ बराबर रहेगा, कलर भी गोल करके बैठ जाएगा। एक सिलाई लगा लेना बीच में से, फिर दूसरे बार पहले से सिलाई लगाना है। दोनों तरफ बराबर रहेगा कलर, आगे पीछे नहीं होगा। इसमें सिलाई लगाया, थोड़ा नाखून से थोड़ा फिनिशिंग कर दीजिएगा। काम का फिनिशिंग प्रेस में है, थोड़ा सिलाई करके नाखून भी मरना है, यहाँ पे थोड़ा सिलाई लगाना है। कोना निकल गया आराम से, बराबर हो गया। इस तरफ भी सिलाई लगा लेना अंदर से। सीधा कर लेना है, कोना निकाल लेना है। यहाँ से सिलाई लगाइएगा, यहाँ से सिलाई लगाने से दोनों कोने से नहीं निकलेगा कपड़ा, बराबर रहेगा। इस तरफ नहीं निकलेगा, आप लोग YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, अगर Facebook में देख रहे हैं तो फॉलो करके लाइक कर दीजिएगा। हमारा कलर वन के रेडी हो गया, बन गया हमारा प्लेट कलर। बनने के बाद ऐसा होगा, पेस्टिंग से बनना है कि फिनिशिंग भी अच्छा होगा। हाई नेक राउंड नेक बनने के बाद ऐसा दिखेगा, फिनिशिंग बढ़िया रहेगा, बराबर रहेगा। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू।